हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट पॉइंट। और इस वीडियो में बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स की। दोस्तों, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बायोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्मोन्स की भी बार बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आज हम इनको एक ट्रिक से याद रखेंगे जिनसे कि हम इनको कभी भूल ही ना सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रिक। ये एक लाइन है जो आपको याद रखनी है, ओडी जैकवार से मिली अब। दोस्तों, ये जैकवार होता है वैसे तो, मगर हमने जैकवार लिखा है जैसे कि चीज़ें याद रह सकें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला हार्मोन्स है ऑक्सिन्स। इसकी खोज 1880 में डार्विन ने की थी, और यह जो है फलों को गिरने से बचाता है। तो हम इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे वो देखते हैं। ओडी, तो ओ से हम हार्मोन्स का याद रखें, नाम याद रखेंगे ऑक्सिन्स, और डी से याद रखेंगे जिसने खोज की थी डार्विन। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि ऑक्सिन्स हार्मोन्स की खोज किसने की थी, तो आपको पता चल जाएगा कि ओ डी वर्ड था तो डी से डार्विन था। या पूछ लेगा कि फलों को गिरने से बचाने में सहायक कौन सा हार्मोन्स है, तो भी आपको पता चल जाएगा कि ओ डी था तो ओ से पहला हार्मोन्स की बात की थी, तो ऑक्सिन्स हार्मोन्स है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को याद कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स ये जो है, इसकी खोज 1926 में कुरोवासा ने की थी, जो कि एक जापान के वैज्ञानिक हैं। तो हम इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। जैकवार हमने एक वर्ड लिखा हुआ है, तो उसमें हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि जैसे याद करेंगे जिबरेलिन्स को, जो कि हार्मोन्स का नाम है, और कू से याद करेंगे कुरोसावा को, जो कि साइंटिस्ट हैं। और यह है जो है बौने पौधों को लंबा कर देता है। बौने पौधे मतलब जो छोटे रह जाते हैं उन पौधों को बड़ा करने में सहायक है। और एक चीज़ और भी है, एक यूज और भी है इसका, फूल बनने में मदद करता है। जो फूल स्टार्टिंग में बन के आते हैं छोटे छोटे, वो उनको बनने में मदद करता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इसकी खोज 1955 में मिलर ने की थी, और इसका नामकरण जो किया था, जो इसका नामकरण करा था वो इधर है देखो, वो लिथाम ने किया था। लिथाम एक साइंटिस्ट थे। तो इसमें हम मिली से याद रखेंगे, जो हमने वर्ड लिखा था कि ओडी जैकवार से मिली, तो से याद रखेंगे हम इस हार्मोन्स का नाम साइटोकाइनिन, से याद रहेगा। और मिली से याद करेंगे इसके जो खोजकर्ता है मिलर, उस वर्ड को याद रख सकते हैं। इसका जो यूज है दोस्तों, यूज कुछ इस तरह से है कि यह है जो है, जो आरएनए होता है, आरएनए प्रोटीन जो होते हैं उनको बनने में सहायक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एथिलीन। एथिलीन की खोज 1962 में बर्ग ने की थी, ठीक है, जो हमने बाद में वर्ड लिखा था अब। तो अब मैं आज से याद रखेंगे एथिलीन को, और वैसे याद रखेंगे जिन्होंने उसकी खोज की थी बर्ग ने, ठीक है। और यह जो है फलों को, जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने में सहायक है। ये सब आप जानते ही होंगे कि जो कच्चे फल हैं उनको एथिलीन से पकाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एब्सिसिक एसिड। इसकी खोज 1961 से 1965 में की थी, और दो साइंटिस्टों ने इसकी खोज की थी, एक का नाम कार्स है और एक का नाम एडिको है। और बाद में इसकी खोज बेरिंग ने की थी, एक बेरिंग एक वैज्ञानिक थे। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम कि दो की बात चल रही थी, तो ये दो साइंटिस्ट में तीन साइंटिस्ट आ गए, तो तीन सबसे अलग भी थे। सब इससे पहले सबने एक एक ही साइंटिस्ट था और एक एक की खोज की थी। इसमें तीन हैं, तो हम इसको ऐसा करके याद रख सकते हैं कि भी तीन कौन से वाले में थे, कि एब्सिस वाले में तीन थे। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। और इसका जो यूज है वो वृद्धि रोधक हार्मोन्स है। वृद्धि रोधक मतलब जो जो पेड़ बढ़ते हैं उनको रोकने में सहायक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लोरीजेंस। क्लोरीजेंस एक हार्मोन है, और यह जो है जो फूल खिलते हैं, खिलने वाले जो फूल खिलते हैं उनमें यह हार्मोन सहायक है, इसलिए इसे खिलने वाले हार्मोन्स भी कहा जाता है।
इसके बाद देखते हैं ट्रोमेटिन। ट्रोमेटिन से हम याद कर सकते हैं कि इसका निर्माण घायल कोशिकाओं में होता है। घायल कोशिका मतलब जैसे कि पेड़ काट देते हैं और दोबारा से पेड़ उग जाता है, तो उसमें इसका यूज़ होता है। तो दोस्तों हम इस तरह से इन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं। सारे हार्मोन्स याद हो जाएंगे, उनके खोजकर्ता याद हो जाएंगे, और डेट एक बार आप देख लेना, उससे वो भी याद रह जाएंगी, और उनके यूजेज भी एक बार देख लेना। आप एक बार वीडियो देखेंगे, एक बार और देखेंगे, तो आपको बहुत आसानी से ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।